हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछली क्लास में हमने सरकमबीन किया था और उसमें मैंने बताया था आपको कि बहुत पुराना सरकमबीन है और कई लोग इसको तोड़ तोड़ के पेश करते हैं, वो गलत बात है। और दूसरी बात ये कि ये जब हमने गाना बनाया था हमने, तो ये 1990 में, यानी आज से करीब 30 साल पहले, तो इस बात का उस समय जिस तरह से गाना बना था, बहुत ही सुंदर और कानों को अच्छा लगता है सुनने में भी, तो कैसे था मैं आपको बताता हूँ। पहले सरगम कर लेते हैं। ये गाना देख लेते हैं हम आपको। सरगम की पहली लाइन थी सा गा सा गा सा गा मा गा रे सा। इसमें लिखवाने का कुछ भी नहीं है, अगर आप कानों से सुनेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। एक बारी मैं आपको गा के सुना देता हूँ, रिदम देख लेते हैं। गाना गाना है और इसके आगे और मैं बताऊंगा आपको कि सरगम गीत कैसे गाया जाता है। पहली लाइन क्या थी, पहले रिदम स्टॉप कर देते हैं, वही 1 2 3 4 चल रहा है। देखिए कैसे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 4 की रिदम है। और एक मैंने आपको बताया था 3 4 की 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना, बाइंड अस टुगेदर, याद होगा आपको। और वैसे इसमें 3 4 4 की है, तो यानी कि चार मात्राओं में चार मात्राएं आ रही है। तो कैसे हैं, मैं रिदम बंद कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। वो सी शार्प से है, पहली तीसरी पांचवी, ठीक है। तो कैसे था, पहले लाइन सा गा सा गा सा गा मा गा रे सा, दूसरी लाइन नी रे नी रे गा रे सा नी, ठीक है। थर्ड लाइन सा गा सा गा सा रे गा मा पा, ठीक है, मा गा रे सा गा रे सा नी सा सा सा। इसी है, कोई मुश्किल नहीं है। कैसे बजाते हैं इसको देखो, सा गा सा गा सा गा मा गा रे सा नी रे गा रे सा नी सा गा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी सा सा सा, ठीक है। तो ये सॉन्ग है, याद रखना, ये सॉन्ग है सरगम सॉन्ग, ठीक है, या हिंदी में कहेंगे तो सरगम गीत। तो चार लाइनें हो गई है, पांचवी लाइन देखते हैं।
सा सा रे सा नि सा। दोबारा सा सा रे सा नि सा, रे रे ग रे सा रे, रे ग रे सा रे। फिर गा गा, नेक्स्ट लाइन गा गा म ग रे सा नि रे सा। दोबारा देखते हैं गा गा म ग रे सा नि रे सा। अगली लाइन गा गा म ग रे गा म म म गा गा म ग रे सा रे रे पा पा ध प म ग म म प म ग रे गा गा म ग रे सा रे रे सा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 7th 8th 9th लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और ये सब गुरुओं की देन है, जो हमारे बड़े गुरुजन हैं उनका आशीर्वाद है। और कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, है ना। तो वही है कि जब तक कोई बोलने वाला हमें बताएगा नहीं कि कैसे गाया जाता है, कैसे बजाया जाता है, तो हमें कुछ नहीं आएगा। तो जितना भी गुरु बताएं, आपको ये समझना चाहिए कि वो आपके कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर काम आएगा। ठीक है, हमारे गुरुओं ने बताया, हमें काम आ रहा, आज भी हमें याद है, जब दोहराया था आज से 30 साल पहले दोहराया था, वो आज भी हमें अच्छे से याद है। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है और सिल पर परत निशान। तो याद रखना, गुरुओं का जितना भी मान किया जाए वो कम है, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। और उनके आशीर्वाद से ही हम सब आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। हम अपना नाम तो कमाएंगे ही, साथ में उनका नाम अपने आप ही आपकी जबान पर आएगा कि हमने उन गुरुओं से सीखा जिन्होंने हमें ये स्वर ज्ञान दिया है, पढ़ाई लिखाई दी है। ठीक है, और उनमें भी सबसे पहले नाम आता है माँ का, जिसने हमें बोलना सिखाया। बोल बेटा माँ, माँ, बोल बेटा माँ। कितनी बार बोलती है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना। और हम कहते हैं क्या मम्मी, आप तो बार बार पूछते रहते हो। कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा का बिल्कुल तहे दिल से उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि उनके प्रताप से ही, उनके आशीर्वाद से ही आज हम कुछ लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और कुछ बजा पा रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद शिरोमणि है, सर्व सर्व सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको याद करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे गुरुजनों का, जिन्होंने हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, वो हमारे पहली गुरु माँ और उसके बाद हमारे गुरुजी। तो इन्होंने हमें सिखाया, आज हम सीख रहे हैं। और तब का याद है कि तब हमने जो सीखा था वही है। एक बार दोबारा दोहराते हैं कैसे। पहली लाइन सा गा सा गा सा गा म ग रे सा नि रे नि रे ग रे सा नि सा गा सा रे गा म पा। दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये हो गई। दोबारा देखते हैं एक बारी। सा गा सा गा सा गा म ग रे सा, पहली लाइन। दूसरी लाइन सा।
ठीक है। दोबारा देखते हैं, सा सा रे सा रे सा रे ग रे सा रे गा गा मा ग रे सा रे सा। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं, गा गा मा ग रे गा मा 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 गा गा मा ग रे सा रे रे। दोबारा देखते हैं, गा गा मा ग रे गा मा 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 गा गा मा ग रे सा रे रे रे। पा पा धा पा मा गा मा मा पा मा ग रे गा गा मा ग रे सा रे रे सा। दोबारा देखते हैं, पा पा धा पा मा गा मा मा पा मा ग रे गा गा मा ग रे सा रे रे सा। ठीक है, तो इतना और हम आगे नेक्स्ट में करेंगे, तो वही इसके स्वरों का भी ज्ञान देंगे और साथ में इसकी क्या लिरिक्स हैं ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, और कैसे इसको पूरा उसका जो गीत है उसके स्वर हैं वो सारे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं वही इसके बाद, वही सेम हाथ धोना है हर आधे घंटे में किसी भी साबुन से, और 2 गज की दूरी बनानी है, घर से बाहर नहीं जाना है, और मम्मी पापा का कहना मानना है क्योंकि माँ हमारी सबसे पहली गुरु है ना। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाओ, तो याद रखना कि हमें अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है और समय समय पर साबुन से हाथ जरूर धोना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंद।